इन केस ऑफ इमरजेंसी हम क्या करते हैं, हम ये कंसीडर करते हैं कि यार अगर हम कहीं पे काम कर रहे होंगे तो वहां पे क्या क्या वर्स्ट केस सिनेरियो होंगे और उसकी बेस पे हमें क्या इमरजेंसी प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। तो मुझे आप बताएं कि आप कौन से वो फैक्टर्स कंसीडर करेंगे जब आपने कहीं पे इमरजेंसी प्रोसीजर्स बनाने होंगे और इम्प्लीमेंट करने होंगे, तो आप क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करेंगे कि आपने एक जगह पे, एक प्लांट में या किसी स्पेसिफिक वेयर हाउस में कोई इमरजेंसी प्रोसीजर्स आपने डेवलप करने हैं, तो डेवलप करते हुए आपके जहन में क्या क्या फैक्टर्स आएंगे जिनको आप कंसिडर करोगे। सामा भाई भी अपनी इनपुट दें, आमिर भाई भी दें कि आपको क्या समझ आती है, आपको किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए। कि इमरजेंसी पॉइंट हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं और इमरजेंसी पॉइंट तक पहुँचने के लिए एरिया कौन कौन सा चूज करना है, और इमरजेंसी जो यानी कि जब इमरजेंसी की सूरत में हम कितनी जल्दी यानी कि उसको रिस्पॉन्स करेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे इमरजेंसी एरिया में, तो क्या क्या यानी कि हम अपने लवाजमात यूज करेंगे, चाहे वो फायर से रिलेटेड है या मेडिकल से रिलेटेड है, इन चीज़ों से हवाले से सर। और क्या क्या हादसा हो सकते हैं, किस किस हद तक हो सकते हैं, यानी कि उनको प्लांट की सिचुएशन का तो पता होता है ना कि भाई वहाँ गैस रिलीज होगी या वहाँ आग ज्यादा लग सकती है, सबसे तो पहले, जिस सबसे पहले हादसे ये वाली होने बात बतानी है, फोर्सीबल इमरजेंसी जो आप बता रहे थे कि क्या क्या खतरात हो सकते हैं, क्या क्या हैजर्ड प्रेजेंट है, तो हम सबसे पहले देखेंगे हम जो काम कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन फैसिलिटी में कोई काम कर रहा है तो वहां पे ज्यादातर खतरा होता है स्पिलीज ऑफ गैसेस और गैसेस रिलीज का, टॉक्सिक गैस रिलीज होने का या फिर फायर लगने का। फिर अगर इमरजेंसी होती है तो लोगों को अलर्ट किस तरह किया जाएगा, यानी अलार्म कैसे रेज किया जाएगा, और अलार्म रेज करने के बाद कौन से प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, हमारे पास क्या सूटेबल इक्विपमेंट होगा उस इमरजेंसी को डील करने के लिए, अगर है नहीं है तो हम उसको कैसे अरेंज करवाएंगे, कौन कौन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबल बंदे होंगे जो उस इमरजेंसी की सिचुएशन को हैंडल करेंगे, जैसे फायर मार्शल्स होते हैं, ठीक है, फायर फाइटर्स होते हैं, तो ऑब्वियसली ये होते हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स। पाकिस्तान में जैसे रेस्क्यू 112 है, 22 है, तो इसका इनका नॉर्मल हालात में कोई काम नहीं है, नॉर्मल दिनों में ये क्या करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, ड्रिल्स करते हैं, ठीक है, लेकिन जब कोई हादसा पेश आएगा तब इनका काम होगा कि उन्होंने क्या देना होगा वहाँ पे, इमरजेंसी प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करना होगा और डीलिंग करनी होगी विद सर्टेन टाइप ऑफ इमरजेंसीज। फिर ऑब्वियसली जब इमरजेंसी कोई होती है, बड़ी कंपनी है, तो उसको मीडिया हैंडलिंग करनी पड़ती है, मीडिया डीलिंग करनी पड़ती है कि ये हादसा क्यों पेश आया था, इसकी क्या वजूहत थी और हम इस हादसे के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे आके आपको टीवी चैनल्स पे अपनी गवर्नमेंट बताती है कि हमने JIT बना दी है और वो काम कर रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, और लास्टली आप फिर इमरजेंसी सर्विसेज से कैसे कांटेक्ट करोगे, ठीक है, तो दिस इज द इमरजेंसी प्रोसीजर अरेंजमेंट जो आप फॉलो करोगे, ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, या इमरजेंसी को जब आप कंसिडर कर रहे हो कि आपने इमरजेंसी कहीं पर प्रोसीजर बनाने हैं तो कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करोगे, दीज आर द फैक्टर्स दैट यू वुड कंसिडर इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, ठीक है। और सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें पता होना चाहिए कि क्या फोर्सिबल इमरजेंसीज हो सकती हैं, वहां से कहानी शुरू होनी है, क्योंकि वो बात पता लगेगी तो फिर हम आगे प्रोसीजर डेवलप करेंगे, हम स्टाफ को भी हायर करेंगे, हम इक्विपमेंट भी लेंगे, हम लोगों को ट्रेन भी करेंगे, ठीक है। मॉक ड्रिल्स का लफ्ज सुना हुआ है आप लोगों ने, मॉक ड्रिल्स सर। आपने सुना हुआ सामने, मॉक ड्रिल का वर्ड? सुना हुआ लेकिन मुझे आइडिया नहीं क्या होता है, सुनना तो लाजमी हुआ। यार मॉक ड्रिल से ये मुराद है कि इन केस कहीं पे इमरजेंसी हो जाती है तो आप कैसे उससे डील करोगे, उसके लिए पहले से तैयारी करना, जैसे आप देखते हो ना फायर की ड्रिल होती है, आर्मी आर्मी ऑफिसर्स ड्रिल करते हैं कि अगर जंग होगी तो हम कैसे उसको डील करेंगे, तो ड्रिलिंग बेसिकली क्या होती है, तैयारी होती है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप लोग तैयार हो कि आप कैसे इमरजेंसी रिस्पॉन्स दोगे। इस तरह फायर की ड्रिल्स करवाई जाती हैं, गैस लीकेज की ड्रिल्स करवाई जाती हैं, यानी आपको पहले से उस इमरजेंसी वक्त के लिए तैयार किया जाता है कि आप जहनी तौर पे तैयार हो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप कैसा रिस्पॉन्स दोगे, ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्रिल आपके इमरजेंसी प्रोसीजर में, क्योंकि हो सकता है कि आपको इमरजेंसी प्रोसीजर की नो हाउ हो लेकिन इन जब इमरजेंसी आए और आप घबरा जाओ, पैनिक हो जाओ, तो उसके लिए फिर ड्रिल करवाई जाती है कि लोग ट्रेंड हो उस हवाले से, ठीक है। आप सर क्या देखिए नाम आप है ड्रिल का, क्या हुआ, ड्रिल को क्या सर नाम दोबारा रिपीट करें, मॉक कौन सी ड्रिल्स, ड्रिल है ये? MOCKDRILL, मॉक ड्रिल्स, मॉक जिसका ड्रिल मॉक इंटरव्यूज, नहीं आपने सुना हुआ कभी, मॉक इंटरव्यूज हो रहे हैं जी, यानी यानी कि प्रैक्टिस हो रही है काइंड ऑफ,
उस वक्त के लिए प्रैक्टिस हो रही है कि जब इमरजेंसीज होंगी तो आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है? इसको कहते हैं मॉक ड्रिल्स करना, कि आप उसके लिए तैयार हो रहे हो। फायर की मॉक ड्रिल्स हो सकती है, गैस लीकेज की मॉक ड्रिल्स हो सकती है, केमिकल स्पिलेज की मॉक ड्रिल्स हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी साइट पे किस तरह के हैजर्ड्स मौजूद हैं। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन ने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन मेथड्स डेवलप करने हैं। क्या इमरजेंसी होती है तो क्या वर्कर्स मोबाइल फोन से कॉन्टेक्ट करेंगे, लैंडलाइन से कॉन्टेक्ट करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा? अगर कोई साइट पे बंदा खड़ा हुआ है तो इसने किस से राबता करना है? आप अक्सर देखते हो कि नोटिस बोर्ड्स वगैरह पे लिखे होते हैं इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर लिखे होते हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के नाम भी लिखे होते हैं, ठीक है? वो क्यों लिखे होते हैं? कि हर बंदा अवेयर हो इस चीज से कि इन केस ऑफ इमरजेंसी उसने किस से राबता करना है, ठीक है? और ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स की जैसे मैं बात बता रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल की भी डिटेल लिखी होगी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी लोगों को पता हो कि ये बंदा है जिससे हमने राबता करना है, और इस ये फिर आगे जो भी इमरजेंसी का प्रोसीजर एक्टिव करवाना होगा, इमरजेंसी अरेंजमेंट्स करवानी होगी, ये बंदा करवाएगा और हमने इन केस ऑफ इमरजेंसी इससे डील करना है। इमरजेंसी की सिचुएशन में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, आगाह करना। वो कैसे करना है वो पहले से ऑर्गेनाइजेशन तय करेगी, उसके लिए लैंडलाइन यूज करती है या वॉकी टॉकी यूज करते हैं या कोई और मेथोडोलॉजी यूज करते हैं जिससे सब लोगों को, रेलिवेंट लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन जाए और वो रिस्पॉन्स कर सके, ठीक है? ये ट्रेनिंग और टेस्टिंग में आपकी ये वाली बात क्लियर हो जाएगी जो मैंने अभी बताई थी। इसको जरा पढ़ें, रीड आउट करें। अगर आप पढ़ें, इमरजेंसी प्रोसीजर शुड बी प्रैक्टिस थ्रू ड्रिल्स एंड एक्सरसाइज, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि प्रोसीजर जो है बना देना सिर्फ इनफ नहीं होता, उनकी ट्रेनिंग करनी होती है, और वो ट्रेनिंग कैसे होती है, ड्रिल्स करनी होती है, एक्सरसाइजेस करनी होती है कि अगर आग लग जाएगी तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर केमिकल स्पिलेज होगी तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है? तो हर बंदे को अपना रोल पता होगा, उनको पता होगा उन्होंने स्पेसिफिक इक्विपमेंट को कैसे हैंडल करना है, किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। जब उनको रोल्स क्लियर होंगे तो तभी एक इफेक्टिव इमरजेंसी प्रोसीजर बनेगा आपका, ठीक है? चले जनाब, आज के लिए हमारा इतनी ही है, क्लोज करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे हेलो, ओके सर, ओके, हाँ, आज के लिए इतना ही है, क्लोज कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह फिर हम कल इसको, ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा और हम चैप्टर नंबर 4 भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफिज़।